तो हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं विजय स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार जो है ऑक्शंस में कितने प्राइजेस में मिलता है। मैंने एक आध कार्स के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा डॉज चैलेंजर कितने में मिनिमम प्राइस में मिल सकता है। मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दोस्त मेरे ये जो कार दिखाया आपने प्राइस नहीं बताया, तो चलिए मैं बताता हूँ और काफ़ी सारे कार मैं कवर करूँगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो लास्ट में वीडियो में आपने देखा था कि डॉज चैलेंजर का कितना प्राइस है, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर मेरे को लेना हो, लेट्स सपोज मेरे को अगर हुंडई लेना है, तो उसका प्राइस, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो मैं कितना मिनिमम प्राइस में मिल सकता है। तो ये देखिए, उसका आंसर यहाँ पर है। ये सिर्फ और सिर्फ कितना में मिल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आपने देख लिया है, अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये आप अगर लेंगे तो कितने में मिलेगा। बाकी कंडीशन मेरे हिसाब से एकदम परफेक्टली ओके है, एब्सोल्युटली ओके। देर इज़ नो बिग डैमेज, यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे छोटा सा डैमेज है बस। ये देखिए, यहाँ पे लेक्सस भी मिल रहा है और लेक्सस का प्राइस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, सिर्फ 75,000 में यहाँ पे स्टार्टिंग बिटिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे है, अब देखो निसान सनी, ये सेंट्रा है। तो ये सेंट्रा का प्राइस मैं अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे कितने में मिलेगा, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 15,500 में। 15,500 में आपको निसान सनी सेंट्रा मिल रहा है, और वो भी इंटीरियर इतना ज़बरदस्त, फुल न्यू, कुछ भी नहीं हुआ है इंटीरियर में। तो ऐसा कुछ, और गाड़ी एकदम परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली फाइन, देयर इज नो डैमेज, नथिंग स्क्रैच, कुछ भी नहीं हुआ है। आई डोंट नो क्यों इसको ऑप्शन पे रखा है। तो ये है कुछ सिर्फ और सिर्फ 15,500 में, 2016 का मॉडल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, और भी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे कार्स अवेलेबल है, वो कार भी हम लोग कवर करेंगे। कितना है नहीं है सब कुछ यहाँ पर मैं दिखाऊँगा, और डॉज चैलेंजर तो है ही, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन और भी मुझे कार्स देखे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कौन सा डैमेज कैसा है। देखिए यहाँ पे इतने सारे, इतना सा डैमेज में आपको कितना हमें मिल सकता है, 35,000 में ये मिल रहा है। देखिए 2020 का मॉडल है, तो 35,000 दिरहम। अभी हाँ, काफ़ी सारे मुझे लास्ट टाइम भी ऐसा कमेंट आया था कि ये तो बहुत महंगा है। देखिए दोस्त, ऐसा है कि अगर आप दिराम में कमा रहे हैं और दिराम में ही आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत बहुत चीप लगेगा। अब देखिए, सेम प्राइस, सेम कंडीशन में आप इंडिया में एक बार ट्राई कीजिए कितने में मिल रहा है। आई डोंट हैव एनी मच नॉलेज ऑन दैट कि कितना मिल सकता है इंडिया में। सेकेंड हैंड का ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन ऐसे ऑक्शन वाले कार कितने में मिल सकता है कम्प्लीटली एकदम मुझे इतना आइडिया है भी नहीं। अगर आपको है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये इंडिया से बहुत महंगा है, क्या सस्ता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड टोयोटो का, ये बहुत बहुत प्रीमियम गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। कंडीशन तो मेरे को एकदम ओके ही लग रहा है, इवन मैं इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त सा ही है, कोई भी इतना ज़्यादा डैमेज वगैरह नहीं है। लेकिन प्राइसेस के मामले में बोलूँ तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, सिर्फ 12,000 में, सिर्फ 12,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। देखिए और क्या चाहिए, ये देखो टोयोटो कैमरी, ये बहुत महंगा आता है। अगर आप लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से दिराम में 1,40,000 to 50,000 के आसपास आता है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 41,000 दिराम में। तो ऐसा कुछ है, और भी आगे चलेंगे, और भी आगे भी देखेंगे कि और कितना गाड़ी आपको, कैसे गाड़ी, मतलब जो कम साइज़ में, जो है अभी देखिए, जैसे ये किया रियो ऑन रोड प्राइस अगर यहाँ पे देखा जाए, नया वाला लेने जाएंगे तो करीब 90,000 से 1,00,000 के आसपास मिलता है। तो यहाँ अगर आप लेने जाएंगे तो सिर्फ आपको देना पड़ेगा 16,000। तो इट्स ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज, अगर आप कंपेयर करेंगे नए और अभी के, तो इतना। अभी देखो ये गाड़ी देखिए, हुंडई एसेन 1.6 लीटर का इंजन है इसमें, V4 इंजन है, 1.6 लीटर वाला इंजन है। और इसकी प्राइजेस अगर नए की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट आता है ये 1,00,000 के आसपास ही आता है, 90 to 1,00,000 के बीच में। कंडीशन देखो, अंदर से एकदम नया जैसा है, एकदम नया। आप अगर यहां तक वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आप कितने में लेंगे अगर दिराम में लेना है तो, इतना एकदम इतनी फाइन कंडीशन में। अब मैं इसकी प्राइस दिखाता हूँ, सिर्फ 14,500।
लाइक अनबिलीवेबल प्राइस है, अनबिलीवेबल प्राइस। सिर्फ 14,500 में आपको यहाँ पे ये वाला गाड़ी आपको मिल जाएगा, और ये है हमारा निसान सेंट्रा 2019 का मॉडल है। कंडीशन देखिए, लाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो अगर मैं लेने जाऊँगा तो ऐसे गाड़ी मैं डेफिनेटली आँख बंद करके लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीरियर, तो एक्सटीरियर आपको कोई डैमेज मेरे को नहीं दिखा, इंटीरियर में भी कुछ भी डैमेज भी नहीं है, एकदम फुल फाइन कंडीशन में है। और अगर मुझे ये बेचना होता तो अगर सेकेंड हैंड बेचने जाऊँगा तो मुझे नया लेने के बाद तो मैं इसको बेचूँगा लगभग 25,000 to 35,000 में, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 17,500 में। तो ये है लाइक जिस लेवल में यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती है, इस कहीं नहीं मिलेगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए ये देखिए रैम हाँ, इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, पीछे से पूरा नीचे दब गया है। और इसकी प्राइस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिर्फ 69,000 दिरहम में, तो थोड़ा महंगा है क्योंकि ब्रांड भी वैसा है, दमदार गाड़ी कुछ हो ना हो, इसकी जो इंजन है वही अगर कोई सिर्फ निकाल के बेचेगा तो इस गाड़ी का प्राइस आपको मिल जाएगा, इट्स लाइक दैट। तो और भी चलते हैं, और आगे क्या आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैं एक गाड़ी देख रहा हूँ, थोड़ा सा डैमेज है, देखते हैं इसका प्राइस क्या है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये है टोयोटो का कैमरी और 2019 का ये है मॉडल, सिर्फ 20,000 में मिल रहा है। अब कंपेयर कीजिए, देखिए ये कैमरे और वहाँ जो मैंने आपको कैमरे दिखाया है, अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना डिफरेंस है दोनों में। और देखें ये मिनी कूपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निसान सनी, ये देखिए निसान सनी 12,000 में मिल रहा है, ये सोल्ड लिखा है, ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला इतने कम प्राइस में निसान सनी, इज फैबुलस। चलिए और भी देखते हैं और क्या क्या आपको दिखा सकता हूँ। ये तो मेरे ख्याल से सोल्ड वाले, अनसोल्ड वाले वहाँ हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। बाकी है ज़बरदस्त। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बड़ा मेहनत लगता है दुबई के 40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसी धूप में खड़े होकर वीडियो बनाना, इट्स नॉट एन ईजी। प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे कार हैं, मैं अब आपको लेके चलता हूँ वही ग्रीन वाली डॉज चैलेंजर, जिसकी लिए लास्ट वाले वीडियो में मेरे को इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने प्राइस नहीं बताया, इंटीरियर नहीं दिखाया, कौन सा मॉडल है वो भी बताऊंगा, तो सब कुछ इस वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। एक वीडियो में अगर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस डॉज चैलेंजर। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टिकर माइंड ब्लोइंग है, जिसने भी बनाया है बहुत खूबसूरत सा बनाया है, बहुत एकदम परफेक्टली फाइन में है, कोई भी डैमेज मेरे को एक्सटीरियर टिल अभी तक तो नहीं दिखा। ये देखिए फ्यूल भी यहाँ पे फुल भरने का ऑप्शन है। अंदर से अगर देखूँ क्या इंटीरियर है वो भी देख लेते हैं। ये देखो भाई, डॉज चैलेंजर जिसने इंटीरियर नहीं देखा है कमेंट करके बताओ कि पहली बार देख रहे हो इससे पहले या देखा है नहीं देखा है। तो ये देखिए ऐसा है कंडीशन, बहुत बहुत स्पोर्टी सा लुक है भाई, बहुत स्पोर्टी सा लुक है। तो अब मैं दिखाता हूँ फ्रंट साइड से, इंटीरियर में दिखाया, देखिए कहीं पे भी कोई भी डैमेज नहीं है। अभी अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको कितने प्राइस में लेंगे, मेरे को इसकी आइज वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये है, मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 37,000 दिरहम में, जी हाँ। तो आप मेरे को अब बताइए कि आप अगर लेंगे तो कितने में बीट करके लेना चाहेंगे ये। तो गाइस ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नया कुछ और बनाऊँगा, नया कुछ और दिखाऊँगा, दुबई के बारे में दिखाऊँगा और भी बहुत कुछ बारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।